बात नहीं, हम क्यों गुमराह करेंगे जनता, हम जनता के लिए हैं। जनता ने हमको चुनकर विश्वास के साथ भेजा है कि हमारी एक एक मांग को हमारे स्थानीय विधायक या सांसद जी हमारे मांग को सदन में उठाएंगे, तो सदन में उठाना हमारा काम है। यहाँ की जनता की जो भी समस्या है, मैं बात करूँगा माननीय मंत्री से, मैं बात करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में डॉक्टर और मास्टरों की बहाली पूर्व के कुछ सालों से नहीं हुई है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या कम है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अभाव है। इसलिए ये आप सब जनता को भी जानकारी, आप सबों को भी जानकारी है, और मैं अपनी जनता से आग्रह करूँगा कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो अपनी समस्या को मैं अपनी आपकी समस्या को अपनी समस्या बनाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस विभाग के माननीय मंत्री से मैं बात करके यहाँ के डॉक्टरों की उपलब्धता मैं निश्चित कराने का काम करने जा रहा हूँ। क्रेडिट लेने के चक्कर में जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया, देखिए ये मैं क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं था। जैसा कि हमने यहाँ के 15 के चुनाव में जब मैं विधानसभा जीता, यहाँ के शहर की जनता की एक ही मांग थी कि विधायक जी 5 किलोमीटर हम लोगों को देर रात में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो कि बक्सर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों को सिटी अस्पताल अगर खुल जाए तो हम लोगों के लिए ये अच्छा होगा। हमने आदरणीय जितने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और उस पहल पर एक सिटी हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24/7 की एक स्थापना की गई माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उस समय के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा, महाजन साहब के द्वारा और उस समय के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी के द्वारा। देखिए FIR तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया है। ये लोग गंदी मानसिकता के हैं, राजनीति नहीं करने देते हैं और करना जानते हैं। ये अवैध वसूली करते हैं रोगियों के नाम, अपना पॉकेट चमकाते हैं और झुटमुट का एक संस्था बना करके रोगी कल्याण समिति। क्या आप रोगी का कल्याण कर सकते हैं? कहाँ आपकी पहुंच है, कहाँ आपका डॉक्टर है कि आप जा करके उन गरीब रोगियों का आप इलाज करा दें? आप एक तो सस्ती लोकप्रियता, गोधन मर गया, गोधन मर, अरे भैया गोधन का समुचित इलाज आप कराओगे BHU में, BHU के ट्रामा सेक्टर में, IGMS में, PMCH में। मेरी बात हुई थी उन लोगों से गोधन के समय, मैंने कहा था कि भाई आप सब समय रहते हमें फोन करते। मैं पटना में था, मैं अपने उनके ID पर भी लिखा था कि आपने सब समय रहते मुझे जानकारी दी होती, मैं पटना में था, मैं इस बच्चे का इलाज कराता। तो आप तो श्री लेने के चक्कर में आप लोग घूमते हैं, और हम व्यक्तिगत सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं, मैं 30 वर्ष संघर्ष किया हूँ, मैं चप्पल घिसा हूँ, जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर उठाया हूँ, तब मुझे जनता ने यहाँ जीतने का मौका जिताया है और जीतने का मौका दिया है। इन्हीं बातों के साथ अगर कोई और कुछ पूछना हो